दोस्तों हम हर रोज अलग अलग सड़कों पर सफर करते हैं। इनमें से कुछ सड़कें बहुत जबरदस्त होती हैं, लेकिन कुछ रोड ऐसे भी होते हैं जिन पर सफर करना अपनी मौत से टक्कर लेने के बराबर होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन अजीबोगरीब रोड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बेहद ही खतरनाक है और आप इन पर कभी भूल कर भी सफर नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। The 52 Tunnels, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह खतरनाक रोड ऊंचे खड़े पहाड़ों को काटने के बाद अस्तित्व में आया है। यह सड़क किंगडम ऑफ इटली के लिए बनाई गई थी। इस रास्ते को पहाड़ की एक साइड को तोड़कर बनाया गया है। यह खतरनाक रोड बोजीटा को पोर्टी पेसोबिया से मिलाता है। यह पूरा रोड विशालकाय पहाड़ों पर और खतरनाक गहरी खाइयों के ऊपर बना हुआ है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे रास्ते को बिना किसी मशीन के आम हथौड़ों और छेनी की मदद से बनाया गया था। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस रास्ते को बनाने वाले लोग वाकई में बहादुर और मेहनती थे। यह रोड यहाँ पर इन दोनों जगहों में आपस में ट्रांसपोर्टेशन के मकसद से बनाया गया था। इस रोड को आज भी अपने दौर की मास्टर इंजीनियरिंग का दर्जा दिया जाता है। माना जाता है कि इसे 1917 में बनाना शुरू किया गया था, जो कि कुछ चंद महीनों की मेहनत के बाद ही बनकर तैयार हो गया था। इस रोड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पूरा रास्ता कई जगहों पर सुरंगों से होकर गुजरता है और कहते हैं कि लैंडस्लाइडिंग से बचाने के लिए जगह जगह पर इन सुरंगों को बनाया गया था। संख्या में ये सुरंगे 52 हैं, जिसकी वजह से इस रोड का नाम भी यही रखा गया था। यह पूरा रास्ता 6.5 किलोमीटर लंबा है और इसे 600 लोगों ने मिलकर तैयार किया था। यह रोड दुनिया के सबसे खतरनाक रोड में से एक है। द ग्रैंड गोलट्स रोड। यह खतरनाक रोड फ्रांस देश के एक पहाड़ी इलाके में मौजूद है। इस रोड को सन 1833 से 1848 के बीच बनाया गया था। यह सड़क पहाड़ के बिल्कुल एक किनारे पर बनी हुई है, जो कि देखने में बेहद ही खौफनाक लगती है। एक जर्नल में छपे आर्टिकल में बताया गया है कि 19वीं सदी में इस रोड पर चार पहियों वाली छोटी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग बाकी की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे। इसके बाद इस रोड को अच्छे तरीके से बिल्ड करने का प्लान बनाया गया, लेकिन इस टास्क को पूरा करना आसान बात नहीं थी, क्योंकि उस समय किसी भी तरह की मशीनें नहीं हुआ करती थी। फिर भी इस काम को पूरा करने के लिए एक खास तरह की प्लानिंग की गई, जिसके अनुसार पहाड़ों को तोड़ने के लिए मजदूरों को रस्सी से पहाड़ पर लटकाकर पहाड़ को तोड़ा जाता था। तो वहीं जब किसी दुर्गम जगह पर पहाड़ को तोड़ना होता था, तो वहां पर डायनामाइट्स का यूज किया जाता था। इस रूट को पूरी तरह से बनाने में 10 साल का समय लग गया था। आज के समय में भी इस तरह के रोड को बनाना एक मुश्किल टास्क माना जाता है और इस तरह के काम को एक चैलेंज मानकर एक्सेप्ट किया जाता है। आपको बता दें कि आज के दौर में भी इस सड़क पर एक बार में सिर्फ एक गाड़ी ही जा सकती है और इस रोड पर कोई भी किसी प्रकार की सेफ्टी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से 2013 तक आते आते यहाँ पर एक्सीडेंट्स की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जिनमें ज्यादातर एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पर मारे जाते थे। इस रिकॉर्ड को देखते हुए फ्रेंच सरकार ने इसे 2015 में पूरी तरह से बंद कर दिया। द साइबेरियन रोड टू याकाटुक। रशिया में मौजूद इस रोड को वहाँ के लोकल लोग गेटवे टू हेल के नाम से भी पुकारते हैं। यह रोड रशियन फेडरल हाईवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इस पूरे रोड का सबसे अजीब पार्ट लीना हाईवे है, जो कि लेंथ में 965 किलोमीटर लंबा है। वैसे तो इस रोड को हाईवे ही कहा जाता है, पर यह पूरा रोड मिट्टी का बना हुआ है। इस रोड को सोवियत ने सन 1980 में बनाया था और कहा जाता है कि इसे बनाने वाले इंजीनियर्स काफी जल्दी में थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसे बेहद कम टाइम में ही पूरा कर लिया था। यह रोड जिस इलाके से गुजरता है वो काफी ठंडा एरिया है। यहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा हाईवे है जिसको बर्फ पड़ने पर काफी फायदा होता है, क्योंकि हाईवे की मिट्टी बर्फ से मिलकर सख्त हो जाती है और इसकी वजह से ड्राइवर्स इजीली इस पर ड्राइव कर पाते हैं।
लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ से गुजरना एक जंग लड़ने जितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फ के पिघलने से पूरे रोड पर कीचड़ हो जाता है और भारी भरकम गाड़ियाँ मिट्टी में फंसने लग जाती हैं। एक और बात यह भी है कि इन ड्राइवर्स के पास यहाँ से गुजरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार तो ट्रक्स यहाँ पर हफ्तों हफ्तों के लिए भी फंसे रहते हैं। गर्मी के मौसम में ऐसे इलाकों में फंसना किसी भयानक नाइटमेयर से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसे वाकई में दुनिया का सबसे खतरनाक रोड माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस का आप मजा ले सकें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।